हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके हिंदी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। सो गाइस, इससे पहले भी मैंने आप सबके लिए हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। सो गाइस, वो सभी वीडियोस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। उन सभी वीडियोज़ की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो गाइस, अगर आप लोग चाहें तो उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं। एंड गाइस, आज की ये वीडियो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। सो गाइस, चलिए फटाफट से करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले, अगर आप सब आए हैं चैनल पर फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी टॉपर स्टडी फैमिली का पार्ट बन जाइए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी भाषा का परिचय और विकास। ये आपका चैप्टर है बेसिकली गाइस, आपकी हिंदी बुक का, जो कि हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी, इन तीनों बुक में एक कॉमन चैप्टर है गाइस। एंड गाइस, इस चैप्टर का मैं पार्ट टू आप सबको कराने वाली हूँ। गाइस, पार्ट वन मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल कर चुकी हूँ इस वाले चैप्टर से रिलेटेड। सो गाइस, आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप सबके लिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आदिकाल के बारे में, जो कि 1000 ई से 1500 ई तक माना जाता है। गाइस, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आदिकाल था, उस टाइम पे जो हिंदी लैंग्वेज थी वो किस टाइप की थी, यानी कि 1000 ई से 1500 ई तक जो हमारी हिंदी थी वो किस तरह की थी। सो गाइस, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल लेने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। छोटा सा पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन का मेंशन करना है यहाँ पे गाइस। सो गाइस, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत सिंपल सी कुछ बातें आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि हैं हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकाल की हिंदी की चार मुख्य विशेषताएँ हैं। सो गाइस, मैंने आप सबको अपनी पहले वाली वीडियो में, जो कि इस वाले चैप्टर का पार्ट फर्स्ट था, उसके अंदर बताया था कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश काल बेसिकली क्या होता है। सो गाइस, आदिकाल में जो हिंदी थी वो जो अपभ्रंश काल था उसके बहुत ज़्यादा निकट थी, क्योंकि जो आदिकाल है वो बिल्कुल उस टाइम के बाद स्टार्ट हुआ था। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने वही चीज़ मैंशन की है। गाइस, यहाँ पर मैंने आप सबके लिए की पॉइंट भी मैंशन किया है, जो कि आपको याद रखना है जब भी आप अपने एग्ज़ाम में जाएँ। यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिकली अपभ्रंश का अर्थ। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट को अपभ्रंश का अर्थ समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, हालांकि ये वाली चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ। सो गाइस, बेसिकली जो अपभ्रंश है उसका जो अर्थ होता है वो ये है कि आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवित और प्रमुख भाषा। सो गाइस, अपभ्रंश का मतलब होता है जो हमारी आधुनिक भाषा है उनसे पहले का जो टाइम में जो बोली जाने वाली और साहित्य रचना की जो प्रमुख भाषा थी उसको अपभ्रंश बोलते हैं। सो गाइस, ये की पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस वर्ड को समझने के लिए। गाइस, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि। गाइस, बेसिकली मैंने आप सबको ऊपर बताया कि आदिकाल की जो हिंदी है उसकी चार प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें से सबसे पहली विशेषता है हमारी ध्वनि। सो गाइस, ध्वनि के बारे में हम देख लेते हैं फटाफट से। आदिकाल की हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों यानी कि स्वर व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयोग होती थी। मुख्य अंतर ये हैं। सो गाइस, आप लोगों को मैंने ऊपर बताया कि जो आदिकाल की हिंदी थी वो अपभ्रंश जैसी ही थी, उसकी तरह ही थी, ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, लेकिन कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि उसकी ध्वनि में है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए वो सारे पॉइंट मेंशन किए हैं। तो गाइज़, वन बाय वन हम ध्वनि से रिलेटेड सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। गाइज़, हमारा पहला पॉइंट है अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, आ आ ई ई ऊ ई ए ओ। सो गाइज़, ये आपको 8ों के 8ों स्वर याद रखने हैं अच्छे से, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इनको अच्छे से मेंशन कर सकें। ये 8ों ही स्वर मूल थे। आदिकाल की हिंदी में 2 नए स्वर ए ओ विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमाशः आ ए आ ओ जैसा था। सो गाइज़, आप लोगों को ये जितने भी मैंने यहाँ पे आ ई ये सारे स्वर बताए, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, बिकॉज अगर आप इनको अपने एग्जाम में मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके क्वेश्चन के अंदर, आपके आंसर के अंदर। तो गाइज़, चलिए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। गाइज़, हमारा सेकेंड पॉइंट है चा छा जा झा, संस्कृत पाली प्रकृति अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकाल की हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी हो गए और तब से अब तक ये स्पर्श संघर्षी ही हैं। तो गाइज़, यहाँ पे बताया गया है कि जो चा छा जा हैं ये व्यंजन थे, कब, अपभ्रंश काल में स्पर्श व्यंजन थे।
लेकिन गाइज आदिकाल में आते आते इनमें थोड़ा सा चेंजेस आया। सो गाइज ये हमारा सेकंड पॉइंट था। गाइज सेकंड पॉइंट को आपको इसी तरह से ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। इनफैक्ट गाइज ये जो पूरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसके अंदर कुछ वर्ड थोड़े से टेक्निकल हैं जो कि आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट गाइज जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे आप उसको लर्न कर लेना एंड प्लीज़ उस वर्ड को चेंज मत करना, बिकॉज ये ग्रामर के वर्ड्स हैं, हिंदी ग्रामर के वर्ड्स हैं, तो इनको आपको इसी तरह से मेंशन करना होगा। गाइज हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि ना रा ला सा संस्कृत पाली प्रकृति अपभ्रंश में दंतीय ध्वनि थी, आदिकाल में ये वर्तीय हो गई। सो गाइज ये जो ना ला रा है ये पहले सारी जो अपभ्रंश टाइम था उसमें दंतीय ध्वनियाँ हुआ करती थी, लेकिन आदिकाल में आते आते इनमें क्या चेंज हुआ, ये वर्तीय ध्वनि हो गई। सो गाइज ये वाले पॉइंट को भी आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। गाइज हमारा फोर्थ पॉइंट है अपभ्रंश में डा ढा व्यंजन नहीं थे, आदिकाल की हिंदी में इनका विकास हुआ। इसके बाद गाइज हमारा फिफ्थ पॉइंट है ना मा ला, पहले संयुक्त व्यंजन थे अब वे क्रमशः ना मा ला के रूप में हो गए, अर्थात संयुक्त ना रहकर मूल व्यंजन हो गए। सो गाइज पहले जो अपभ्रंश टाइम था यानी कि आदिकाल से पहले का जो समय था उसमें ना ना हा मा ला ये जो वर्ड्स थे ये इसी तरह से के थे, लेकिन आदिकाल में आते आते इनको सेपरेट कर दिया गया। गाइज आप लोगों को इनके प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको इन वर्ड्स को इसी तरह से ध्यान रख लेना है। गाइज इसके बाद जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो है पारसी पश्तोरी तुर्की आदि से कुछ नए शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लुप हो जाने के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन स्वर अनुक्रम यानी कि वॉवल सीक्वेंस तथा व्यंजन अनुक्रम यानी कि कॉन्सोनेंट सीक्वेंस आदि के लुप की भी संभावना थी जो अपभ्रंश में रहे होंगे। सो गाइज यहाँ पे बेसिकली इस वाले पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि पारसी तुर्की ऐसे कुछ लैंग्वेजेस थीं जिनके अंदर से कुछ नए वर्ड्स आए और हिंदी भाषा के अंदर शामिल हो गए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी बताई गई है कि अपभ्रंश टाइम में ऐसे बहुत सारे शब्द रहे थे जो आदिकाल में आते आते लुप्त हो गए एंड आगे भी इनके लुप्त होने की संभावना रहती है, क्योंकि गाइज आप सभी को पता है कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस के संपर्क में आती रहती है। तो गाइज इसी तरह से आपको इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना है एंड गाइज आई एम श्योर ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइज ये हमारी पहली विशेषता थी। अब हमारी जो सेकंड विशेषता है वो है व्याकरण। आदिकाल हिंदी का व्याकरण 1000 ई के आसपास अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए तथा धीरे धीरे 1500 ई तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण संवेता अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों में भिन्न था। तो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि जो आदिकाल का जो व्याकरण था हिंदी व्याकरण वो अपभ्रंश के निकट था, बिकॉज दोनों के जो टाइम पीरियड था वो सिमिलर सा ही था, थोड़ा सा ही डिफरेंस था दोनों में। सो गाइज इसी वजह से जो आदिकाल का जो हिंदी व्याकरण था उसमें भी अपभ्रंश टाइम की बहुत सारे रूप देखने को मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया हिंदी अपना विस्तार करती गई, जो अपभ्रंश का जो प्रयोग था अपभ्रंश के जो रूपों का प्रयोग था वो कम होता गया एंड हिंदी ने अपने रूपों का जो विकास करना स्टार्ट कर दिया और हिंदी खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जैसे ही हिंदी का अच्छे से विकास हुआ अपभ्रंश के जो रूपों का हम प्रयोग करते थे वो हिंदी से निकल गए आदिकाल की हिंदी से और धीरे धीरे हिंदी एक खुद में एक अच्छी लैंग्वेज बन गई। सो गाइज अब हम वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हमारे व्याकरण से रिलेटेड। अपभ्रंश संस्कृत पाली प्रकृति आदि की तुलना में वियोगतामक होते हुए भी एक सीमा तक संयोगतामक भाषा थी। काफ़ी क्रिया रूप तथा कारकीय रूप संयोगतामक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगतामक रूपों का प्रधान हो चला। सहायक क्रियाओं तथा पर संगिकों का उपयोग काफ़ी होने लगा और धीरे धीरे संयोगतामक रूप कम होते गए
और उनका स्थान वियोगतामक रूपों ने ले लिया। एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यपाक संस्कृत पाली प्रकृति की तुलना में उसकी स्थिति होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी में नपुंसकलिंग का प्रयोग पूर्णतः समाप्त हो गया। खोरखानाथ में कुछ प्रयोगों को कुछ लोगों ने नपुंसकलिंग का माना है, किंतु ये मान्यता पूर्णतः संदिग्ध नहीं कही जा सकती। तो गाइस, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं, थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो नपुंसक लिंग था, इसका जो यूज़ था वो बंद हो गया था आदिकाल के आते आते। सो गाइस, इस पॉइंट को आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। गाइस, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हिंदी काव्य रचना। शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगे थे। अपभ्रंश में शब्द क्रम बहुत निश्चित नहीं थे। तो गाइस, जो शब्दों का जो क्रम होता है उसको निश्चित कर दिया गया था आदिकाल में, जबकि अपभ्रंश टाइम में इन शब्दों का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं बोला जाता था, निश्चित क्रम नहीं बोला जाता था। सो गाइस, आपको इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से ध्यान रखना है। गाइस, हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है वो है शब्द भंडार। तो गाइस, शब्द भंडार में क्या क्या चेंजेस आए आदिकाल में आते आते, उसको आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने आरंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें उल्लेखनीय दो तीन हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, ज़्यादातर चीज़ें स्टार्टिंग में आदिकाल के अंदर अपभ्रंश से ही ली गई थी, बट बाद में धीरे धीरे विकसित होते होते जो आदिकाल की हिंदी है उसने खुद का विस्तार किया, खुद के शब्दों का विस्तार किया, जो कि यहाँ पे बताया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था। अंततः तत्स्म शब्द वाली आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश की तुलना में कुछ बढ़ने लगी थी। मुसलमानों के आगमन के कुछ पश्तो फारसी अरबी तुर्की शब्द हिंदी में आ गए। उदाहरणतः गोरख बानी में अकली नूर अल्लाह काजी पृथ्वीराज रासो में अबीर नजर सोर गाजी समशेर चंदियन में खून तुलसी मीर आदि भक्ति। तो गाइस, ये सारे वर्ड्स थे जो कि भक्ति काल और मुसलमानों के आगमन के बाद हिंदी भाषा के अंदर आ गए, यानी कि आदिकाल के अंदर आ गए। गाइस, ये जो वर्ड्स को ध्यान रखने हैं अच्छे से। एंड गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आंदोलन तथा मुसलमान शासनों का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, और जिसके प्रमाण स्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकती है फिर कुछ ऐसा पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे इस काल में अनावश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए या फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया। सो गाइस, इस वाले पॉइंट के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि बेसिकली आंदोलनों के कारण और मुसलमान शासनों के कारण जो अपभ्रंश टाइम में जो कुछ शब्द थे वो शायद इस टाइम तक आते आते या तो लुप्त हो गए थे या फिर उनका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। सो गाइस, आपको ये वाले पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। गाइस, हमारी जो लास्ट विशेषता है वो है साहित्य में प्रयोग। सो गाइस, देखते हैं साहित्य में किस टाइप से प्रयोग हो रहा था हिंदी लैंग्वेज का। इस काल में साहित्य में मुख्यतः डिंगल मैथिली दखनी अवधी ब्रज तथा मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है। इस काल के प्रमुख हिंदी साहित्य गोरखनाथ विश्वपति नरपति नलहा चंद्रबरदाई कबीर तथा शाह मीरजीत आदि हैं। सो गाइस, यहाँ पे साहित्य से रिलेटेड चीज़ें बोली गई हैं। यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बताया गया कि मैथिली डोंगली ये सारी भाषाओं का प्रयोग हो रहा था उस टाइम पे, और जो मुख्य जो साहित्यकार थे वो थे हमारे कबीर शाह मीरा जी। इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने गाइस। एंड गाइस, ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। सो गाइस, आई एम श्योर आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने कोशिश की कि वीडियो को मैं थोड़ा छोटा बना सकूँ। सो गाइस, आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। गाइस, कुछ वर्ड आपको थोड़े से डिफिकल्ट थोड़े से अजीब लग सकते हैं इस वाली वीडियो के अंदर, बट गाइस वो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए जब ये वीडियो प्रिपेयर की है
उस टाइम पे मैंने अच्छे से स्टडी किया है। एंड गाइज, इन टेक्निकल वर्ड्स को अगर हम चेंज करेंगे तो इनका मीनिंग ही बदल जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है गाइज। सो गाइज, इस वाले क्वेश्चन को आपको इसी तरह से प्रिपेयर कर जाना है। अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन को प्रिपेयर, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स में कुछ पेपर्स में इस क्वेश्चन को देखा है। सो गाइज, आई एम श्योर आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है एंड ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी।